देश का मामला है, मतलब सिर्फ जो है बिहार के नियोजित शिक्षकों का ही नहीं है, तो ये भी वो हो तो सकता। है, हम खुद अपने एडवोकेट को भेजे थे और वो सीनियर से भी हम ये इनपुट दिलवाए कि भाई देखिए बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरह जजमेंट की तरह पूरी तरह से पैरालाइज है, कोई काम हो नहीं रहा है। सही बात है, सही और बात। वहाँ हमने कोशिश किया था कि यदि होली होली मिलन समारोह वगैरह में सीनियर एडवोकेट से जज की मुलाकात होती है तो उसमें नॉन ऑफिशियली इनपुट दिया जाए कि भाई इसको कर दिया जाए कि उनका पूरा डिपार्टमेंट ही पैरालाइज है और रियल में कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर। और यदि कुछ भी है तो सिर्फ यही जजमेंट के बाद यही बोला जाता है। 12 मई का सर जो है, 12 मई से लेकर के 31 जून तक सुप्रीम कोर्ट बंद है, तो ये भी तो हो हाँ सकता है सर, मान के चले कि 12 मई से 31 जून तक जो है छुट्टी हॉलीडे है, इस दौरान हो सकता है कि जज साहब। ये तो हम पहले ही बोल चुके जी हैं सर, कि लगता है इतना डिले होने का कारण है कि जजमेंट नेशनल रेस्पेक्ट में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लिखा जा रहा हो, यही कारण है कि इतना देर हो रहा है। ये हो सकता है जो आप बात बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारे पटना हाई कोर्ट के संजीव जी गए थे तो ये वहाँ से जो इनपुट मिला कि जजमेंट ड्राफ्ट हो रहा है तो इसमें अब देख के बहुत ज्यादा बहुत अधिक उठापटक नहीं हो, जजमेंट कंप्लीट हो जाता है तो जी वो सर, भी संभावना आपको अप्रैल का फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में यदि आ जाता है तो आ जाता है, यदि नहीं आता है तो जी फिर आप जो कह समर समझ, वेकेशन में कंप्लीट करके और आफ्टर समर वेकेशन जी आपको वहीं जुलाई का फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में निश्चित रूप से दे सकता है। अच्छा, दूसरी संभावना है, पहली संभावना है, यहाँ संभावना है कि यदि ठीक कंप्लीट हो जाता है तो इधर आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगला 15 दिन में आ सकता का फैक्ट आया था उसमें वो, और मामला तो समझिए कॉम्प्लिकेटेड है ही, कॉम्प्लिकेटेड तो पहले से भी था और बहुत कुछ हम लोग खुद उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिए हैं, सही बात है सर। तरह तरह के आर्गूमेंट दे के हम लोग की खुद उसमें है भागीदारी है, कॉम्प्लिकेटेड करने में हम लोग खुद उस रेस्पॉन्सिबल हैं। और बिहार सरकार भारत सरकार तो खर्चा ही रही थी उसमें, आपको डिफेंस टीचर्स एसोसिएशन भी कम जिम्मेवार उसके लिए नहीं। तो सर कुल मिलाकर अभी फैसला को लेकर के कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कब तक आएगा, बस सिर्फ अनुमान हम लगा आपका सकते ये हैं। जो अगला 15 अप्रैल तक थोड़ा तो सा जैसा इनपुट मिला कि ड्राफ्ट हो रहा है तो इसलिए संभावना है कि 15 अप्रैल तक यदि आ गया तो आ गया, यदि नहीं आया तो निश्चित रूप से आपको आपका समर वेकेशन चला जाएगा, क्योंकि देखिए वर्किंग डे में जजेज के पास बहुत अधिक समय मिल नहीं पाता है सही बात है सर, तो या फिर वही आपको करीब 1.5 महीना 12 मई से लेकर और 31 जून पूरा जून बंद है तो उसमें निश्चित रूप से कंप्लीट करके और दे देगा। इसे अभय साहब अभय मनोहर सप्रे साहब रिटायर हो रहे हैं 27 अगस्त तक तो उतना नहीं जाएगा, लेकिन हमको भी यही लगता है कि आपको जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक दे सकता है, लेकिन और सबसे पहले अभी तो ये है आपको अप्रैल का जो फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में भी आ सकता है।